वी आर इन लिफ्ट एंड ये आ गया भूतिया, दरवाजा खोलो। एक दरवाजा और को भूतिया ही लगता है। सो हियर वी आर मूविंग आउट। हे गाइस, दिस इज गैवी योर फेलो और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नोकिया 4G के बारे में। तो यहाँ पे नोकिया का आ गया है 3310 और आज हम बात करने वाले हैं इसी 3310 के बारे में। बेसिकली बात करें फोन की तो ये लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से पिछले साल भी 2016 के मई के महीने के आसपास हुआ था, जहाँ पे 2G वेरिएंट देखने को मिला था। लेकिन अगर आप 3310 को नहीं जानते हो, नोकिया 3310, तो भाई ये नोकिया का सबसे फ्लैगशिप फोन रहा है और मतलब नोकिया का एक आइकॉनिक फोन रहा है। और अगर आप याद करोगे पीछे जाके तो ये वही फोन है जिसको आप मतलब चला वाला के किसी को मार दो, कहीं लड़ाई होगी तो फोन दे के मारो और भाग जाओ बस। और बेस्ट बात क्या थी नोकिया फोन की, मतलब जो 3310 वाली सीरीज थी इसकी बेस्ट बात क्या थी कि जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो इनकी कमाल की आती थी। मतलब आप इसको किसी भी एंगल से गिरा दो, कैसे भी फेंक दो, मतलब वाटर प्रूफ नहीं थे लेकिन 2 लीटर पानी में भी डाल दो ये फोन बिल्कुल जिंदा रहते थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसीलिए नोकिया इसके पीछे लगा। नोकिया एज इन मतलब अभी तो HMD ग्लोबल हो गया है जिसने इसको ऑन किया है, जो नोकिया के फोन बना रहा है। तो HMD ने फिर से ये फोन लॉन्च कर दिया है चोरी चोरी छुपके छुपके अपने वेबसाइट पे छुपा के लॉन्च कर दिया, मतलब बोलते ना बिल्कुल सुम्मे में लॉन्च कर दिया, किसी को बताया नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन यार फोन कमाल का है। सबसे बेस्ट बात क्या है, इसकी लुक, मतलब जो लुक मिलती है ना वो प्यारी सी छोटी सी वैसी वाली लुक आती है इस फोन के साथ। और यही कारण है कि मैं वेट कर रहा हूँ नोकिया 4G का। बेसिकली पिछले साल जो नोकिया का 2G वेरिएंट आया था ना, वो फोन अच्छा था लेकिन यार उसमें अभी 2G कौन यूज करता है आज के टाइम में। मतलब एटलीस्ट मैं जियो यूजर हूँ तो मेरे पास जियो के सिम कार्ड हैं, तो होपफुली मैं भी कोई ऐसा फोन चाहूंगा जो छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो लेकिन उसमें 4G चले। तो भाई इस चीज को ध्यान में रखते हुए नोकिया ने 3310 को 4G वेरिएंट में लॉन्च कर दिया। और इस फोन में अभी क्या देखने को मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो 2.4 इंच का डिस्प्ले है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको लिनक्स बेस मिलता है जो कि अलीबाबा ग्रुप से आता है, यून OS। और इसके साथ यहाँ पे बैटरी मिल जाती है आपको 1200 mAh की। उसके बाद बात करें इसमें कैमरे की, तो वो एक कमाल की चीज है कि यहाँ पे आपको बैक कैमरा भी मिलता है 2 MP का और वहाँ पे बैक फ्लैश भी मिलता है। उसके साथ यहाँ पे फ्रंट में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन जो बैटरी है उसकी खास बात यह है कि एक तो एक कॉम्पैक्ट फोन है, रेजोल्यूशन छोटा है, स्क्रीन का जो साइज छोटा है, तो बैटरी का कंजप्शन ऑब्वियस है, कॉम्पैक्ट फोन में इतना ज्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 2G यूज करो तो मेरे ख्याल से ज्यादा टॉक टाइम या फिर ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन 4G पे जो भी न्यूज निकल के सामने आई है वो ऐसा बोलता है कि आपको 6 से 7 घंटे के आसपास का टॉक टाइम मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे स्टैंड बाई की, तो ये फोन आपको कम से कम 20-25 दिन का स्टैंड बाई देने वाला है अगर इसमें आप सिम नहीं डालते हो। रैम यहाँ पे मिलता है आपको 256 MB का, रोम मिल जाता है, रोम मतलब स्टोरेज, वो मिल जाता है आपको 512 MB का, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 64 GB तक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा के। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का भी सपोर्ट है। और तो यार मेरे ख्याल से सारी चीजें बस इतनी है, मतलब मिला जुला के सारी यही चीजें मिलती है नोकिया 3310 4G वेरिएंट में। और 18 में ये फोन आपको देखने को मिलेगा HMD ग्लोबल की तरफ से, मतलब कि नोकिया की तरफ से। अगर हम फोन की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 2000 से 3000 के आसपास। और उसके साथ ही यहाँ पे आप जो फ्री सेवा है जियो की, मतलब अप्रोक्सीमेटली फ्री है, अभी बात करें तो क्या 400-500 रुपये में आपको 3-3 महीने का पूरा अनलिमिटेड कॉल डेटा सब कुछ मिल जाता है, तो अल्टीमेटली फ्री है। और ऐसे रूमर्स निकल के आए कि जो नोकिया है और जो जियो है वो यहाँ पर टाई अप करने वाले हैं, मतलब दोनों साथ आने वाले हैं और कुछ नए प्लान्स जियो लाने वाला है इस नोकिया फ़ोन के लिए। बिकॉज मुझे फ़ोन कमाल का लगा, जो लुक एंड फील है ना वो सबसे प्यारी है। एक छोटा सा फ़ोन है, पॉकेट में रखो, कहीं भी रखो। हालांकि अभी देखो आज के टाइम में अगर हम बात करें अपने जनरेशन की, तो हम लोग बेसिक फ़ोन पर अपना सारा काम नहीं निकाल सकते, लेकिन एज अ बैकअप ये फ़ोन हमारे काफ़ी काम रहेगा। तो ये थी सारी बातें यहाँ पे नोकिया 4G के बारे में। अब देखते हैं ये फोन फाइनली कब तक देखने को मिलता है। उसके साथ ही करते हैं इस व्लॉग को खत्म। और भाई और बहनों, अगर यहाँ पे आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो तो कर दो कम से कम। मतलब इतनी वीडियो बनाता हूँ मैं आपके लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, इतनी एडिटिंग वेडिटिंग करके मैं आपके लिए कुछ वीडियो बनाता हूँ, मतलब इतना तो बनता है कि यार एक सब्सक्राइब मिले मुझे। तो बस सब्सक्राइब कर दो, मतलब इंसानियत के नाते ही सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि यहाँ पे मैं और ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचाता रहूँ। मेरा जो पैशन है वो फॉलो करता रहूँ मैं और आप तक ऐसी वीडियोस पहुँचाता रहूँ। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, आगे मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।